जुर्मे हुई आज एक और शानदार जीत। खतरनाक मुजरिम बाला सीजू, जिसे बच्चों की तस्करी के लिए देश के हर राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, वो आखिरकार सीआईडी के हाथों पकड़ा गया। अब सीआईडी की टीम बाला से पूछताछ करेगी और बाला के इंटरोगेशन का वीडियो बना के उसे सबूत के तौर पर अदालत में पेश करेगी, ताकि बाला को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। एक कप चाय ही मिलेगी? ये बच्चे कहाँ जिन्हें तूने बेचा है? मैंने किसी बच्चे को नहीं बेचा। बच्चे देश में है या विदेश में? मेरी चाय कहाँ है एसीपी साहब? देश में या विदेश में? उन बच्चों को सही सलामत उनके माँ बाप तक पहुंचाने की कसम खाई है हमने। अगर उनको कुछ हुआ ना, तो तेरे साथ वो करेंगे जो तू सपने में भी सोच नहीं सकता। एसपी साहब, हम मुझे धमकी दे रहे हो? शुक्र मना, हम लोग हैं तो सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर दया होता ना तो क्या कर लेता वो? नहीं, ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए चाय बना के लाता वो। अरे मैडम जी, आप ही मेरे लिए चाय बना के ले। वैसे भी औरतों का काम रसोई घर में होता है, ये सीएड में कहाँ कहाँ कर रहे हो आप? और अगर मुझे मैडम जी के हाथ की चाय अच्छी लगी तो मैं इनसे शादी करने के बारे में भी सोच सकता हूँ। वकील साहब, ये हद से ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों, मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तेरा इस मैडम के साथ कोई चक्कर वक्कर है क्या? ये आपने क्या किया? मेरे क्लाइंट पे हाथ उठा आपने? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू सवाल जवाब। मैं आपका होस्ट अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय या डिबेट है कि क्या हमारे देश में कानून के रखवाले कानून से बड़े? आप सब लोग ने हाल ही में इस केस के बारे में सुना होगा, जहां सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर अभिजीत पर बाला नामक एक क्रिमिनल की मौत का इल्जाम लगाया गया। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद है खुद सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत फ्रॉम द सीआईडी ब्यूरो, उनके साथ ही एसीपी प्रद्युमन जी, वेलकम सर, और सीनियर इंस्पेक्टर दया सीआईडी ब्यूरो से। हमारे पैनलिस्ट हैं एक्स आर्मी ऑफिसर मिस्टर रणवीर, एक्स आईबी ऑफिसर संजीत जी और एक्स जज मिस मंदिरा, और साथ ही हैं क्राइम के सीनियर एडिटर मदन कुमार जी, और साथ में मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। तो मैं शुरू करना चाहूंगा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से। कहिए, इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? इनके जैसे ऑफिसर्स की वजह से ही कानून का नाम खराब हो रहा है इस देश में। बिल्कुल ठीक, हाथ में गन या ताकत क्या आ जाती है, इन्हें लगता है कि अपने मनमर्जी करेंगे और मानव अधिकार की धज्जियां उड़ा देते हैं जैसे कानून के रखवाले। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि इन पुलिस वालों से गन ही वापस ले लेनी चाहिए। गन चलाने की नैतिकता क्या होती है इन लोगों को समझ में नहीं आती। जी, मैं तो ये कहूंगा कि ये लोग सिर्फ राई का पहाड़ बना रहे हैं। बाला सीआईडी वालों के साथ बदतमीजी कर रहा था, अब ऐसे में अगर हाथ उठ भी गया
तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अभिजीत पर खूनी बनने का ठप्पा ही लगा दें आप लोग। और किसी मुजरिम से होता गलती से ये खून तो क्या आप उसे छोड़ देते हैं? या फिर कोई आम इंसान से? नहीं ना। तो फिर जो नियम आम इंसान पे लागू होता है वो इन सीआईडी वाले पे क्यों ना हो? मिस मंदिर, आप कब से चुप बैठी हैं? इस विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अभी जी, मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि जिस सीआईडी टीम की बहादुरी की मिसालें लोग देते हैं उनको आज यहाँ अपमान करना ठीक है क्या? देखिए, मेरे हिसाब से इस बहस का कोई अंत नहीं कि अभिजीत सही है या गलत, ये सब अपने अपने नजरिए पे डिपेंड करता है। अब मैं बात करना चाहूंगा एसीपी प्रद्युमन जी से, जिनका लंबा करियर जो देश के प्रति जिम्मेदारी और फर्ज से भरा हुआ है। इस केस में आप किसका साथ देंगे, सीआईडी के अभिजीत जी का या फिर कानून का? देखिए, आज तक मैं हमेशा कानून का साथ देता आया और आगे साथ देता रहूंगा। इंसाफ होके रहेगा और मैं ये कहने का किसी को भी मौका नहीं दूंगा कि कानून हम सीआईडी वालों के लिए अलग है और आम लोगों के लिए अलग। जब तक इंक्वायरी कमीशन का डिसीजन नहीं आता तब तक सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी की ड्यूटी से सस्पेंड रहेंगे। एक मिनट सर। तो मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी आपके मुंह से जो कुछ सुना बहुत तकलीफ हो रही है सर। जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ, आप वहीं पे मौजूद थे। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए सर कि मैंने जानबूझ के उस आदमी को मारा है। और अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं बिना किसी अदालत के फैसले के खुद फांसी के फंदे के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा। अभिजीत जी, रिलैक्स। नहीं यार दया, बस मजाक बना रखा है। हर कुछ महीनों में कुछ लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं और सर हमारा साथ देने के बजाय हमें सस्पेंड कर देते हैं। और आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मानव अधिकार की, क्या कह रहे थे आप? हमारे हाथों से गन ले लेनी चाहिए। अगर आज आप लोग अपने घरों में सुरक्षित तरीके से होली दिवाली मना रहे हैं वो इसलिए कि हमारे हाथों में गन्स हैं। हम लोग रात भर जागते हैं ताकि आप लोग चैन की नींद सो सके। जब मुजरिम यहां सर पे बंदूक तानता है, छाती पे गोली चलाने वाला होता है और तब आपको ये याद दिलाया जाता है कि आपको पलट के मुजरिम पे वार नहीं करना है, सिर्फ टांग पे गोली चलानी है, उस दिन मैं आपसे ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकार की स्पेलिंग पूछूंगा। उस दिन आज मैं दुनिया वालों के सामने खुल के बोलना चाहता हूं, बाला जैसे आदमी को जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं। वैसे भी अदालत उसे फांसी की सजा देती ना, कुछ दिन पहले मर गया तो कौन सा तूफान आ गया। पर इतने साल अगर सीआईडी में मेरे हाथ बंधे नहीं होते तो इन जैसे लोगों का इंसाफ मैं कब का कर चुका होता है। और वैसे भी ऐसे कानून का क्या फायदा जो मुजरिमों को सजा नहीं दे सकता, और वो कानून मुझे क्या सस्पेंड करेगा? मैं खुद सस्पेंड करता हूं ऐसे कानून को। दिल में जज्बा और जेब में इस्तीफा लेकर हमेशा घूमता हूं मैं। अरे यार, हम लोग तो दोस्त हैं यार। दोस्त? अरे मेरे दोस्त, क्या चाहिए आपको आज? अरे कुछ मेरे दोस्त के लिए लेके आओ यार, आप और हम एक। चल चल। अभिजीत, क्या हो क्या क्या तुम्हें? अरे कौन सी जगह पे बैठे?
और किस तरह के लोग हैं साथ में? चलो उठो उठो, चलो घर चलो। कहाँ चले? सीआईडी ब्यूरो ही तो मेरा घर था, अब मुझे वहां जाने की परमिशन नहीं। सर सर सब ठीक हो जाएगा सर, आप यहां से चलिए। सब ठीक हो जाएगा? इससे ज्यादा और क्या ठीक होगा? और अब मैं सीआईडी ऑफिसर नहीं हूं। कोई भी ह्यूमन राइट्स वाला, कोई भी इंक्वायरी कमीशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सारे मुजरिमों को एक एक करके मार डालूंगा मैं, और तुम लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, और ना वो तुम्हारा एसीपी प्रद्युमन। जाओ उसके पास जाओ, तुम लोग मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी। जाओ। अभिजीत तुम होश में भी हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? अरे छोड़ो यार, ये दोस्ती दिखानी थी ना तो उस दिन दिखानी चाहिए, आज ही अपने पन का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला तुमने? ढोंग? तुम्हें ये ढोंग लग रहा है? और क्या? सही है, एकदम सही है। सर जा जा, तुम भी निकलो। पट्टी क्यों बांध रखी है? बोलो मुझे कहां लेके आ गए? कौन हो तुम लोग? बोलो मुझे। कौन हो तुम लोग? पट्टी खोलो। जानते हो किसे किडनैप किया तुमने? एक सीआईडी ऑफिसर। अभिजीत अब तुम एक सीआईडी ऑफिसर नहीं रहे। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी की ड्यूटी से सस्पेंड रहेंगे। डरो मत, तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं, हमें अपना दोस्त समझो। दोस्त? आखिर हो कौन तुम लोग? सब पता चल जाएगा अभिजीत, कि हम कौन हैं और तुमसे चाहते क्या हैं। अंधेरे में छिपके क्यों खड़े हो? हिम्मत है तो सामने आओ। हम अंधेरे में इसलिए हैं क्योंकि ये देश और समाज रोशनी में हमें हमारा काम करने नहीं देता। क्या मतलब? हम भी तुम्हारी तरह कानून के रखवाले हैं, लेकिन तुम कानून के दायरे में रह के काम करते हो और हम उसके बाहर। हम सीधा मुजरिमों का इंसाफ करते हैं, न कोर्ट न कचहरी न इंक्वायरी कमीशन, सीधे सजाए मौत। एक मिनट, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। पहचानते हो इसे? ये तो मालविका है, कहने को सोशलाइट, लेकिन कई आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई है ये। गुड, नेक्स्ट। रंगन बंगा रियल एस्टेट का बिजनेस दिखाने के लिए, और उसकी आड़ में ड्रग्स का लेन देन। विलियम? ये तो विलियम है, 7 मर्डर का इल्जाम है इसके ऊपर। दैट्स राइट। मगर मुझे क्यों दिखा रहे हो इनकी तस्वीरें? मुझसे क्या चाहते हो? बताते हैं, पहले तुम जरा ये बताओ कि अगर तुम्हें ये पता चले कि इन मुजरिमों को कानून कभी सजा दे नहीं सकता, तब तुम क्या करोगे? अगर इनको कभी सजा नहीं मिल पाई तो मैं
मैं खुद मार दूंगा इनको। वैसे भी किसी भी मुजरिम को इस धरती पे सांस लेने का हक नहीं है, सबको कुचल के मार देना चाहिए, सबको। वेरी गुड, तुम्हारे अंदर हम यही जोश और जुनून देखना चाहते थे। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं अभिजीत, अगर वाला गलती से मारा भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, था तो वो एक मुजरिम है ना। अब तुम ही बताओ अभिजीत, इतने सालों की ड्यूटी का ये जो सिला मिला है तुम्हें, क्या ये ठीक है? इनके जैसे ऑफिसर्स की वजह से ही कानून का नाम खराब हो रहा है इस देश में, और मानव अधिकार की धज्जियां उड़ा देते हैं इन जैसे कानून के रखवाले। हाथ में गन या ताकत क्या आ जाती है, इन्हें लगता है कि अपनी मनमर्जी करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ मैं ही जानता हूं सम्मान का घूंट पीने से क्या बीत रही है मुझ पे, किस आग में चल रहा हूं मैं। हम समझते हैं अभिजीत, इसलिए तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हमारे गैंग का काम है उन मुजरिमों का सफाया करना जिन्हें अदालत ने खुला छोड़ रखा है। बनोगे हमारे गैंग का हिस्सा? सोच क्या रहे हो अभिजीत, हमारा साथ दोगे या फिर उस सिस्टम का जिसने अनजाने में हुए एक हादसे के लिए तुम्हें सजा दी? मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, पर जब लड़ाई जुर्म और मुजरिमों के खिलाफ है तो अभिजीत का जवाब हमेशा हाँ है। पर इससे पहले तुम्हें अपनी वफादारी की परीक्षा देनी होगी। वफादारी की परीक्षा? कौन है आदमी? छगन। आज तक 5 औरतों को मार चुका है और अदालत ने इसे दिमागी रूप में बीमार करार देकर रिहा कर दिया। लो रिवॉल्वर और चलाओ गोली। मुझे इस पे गोली चलानी। हाँ, दबाओ ट्रिगर और चला दो गोली। चलाओ गोली अभिजीत, ज्यादा मत सोचो, चलाओ गोली, ट्रिगर दबाओ और गोली चला दो। चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली अभिजीत, चलाओ, चलाओ गोली। फोन का इंतजार कीजिएगा, और हाँ, जो आपको तकलीफ हुई ना उसके लिए सॉरी। और एक बात ध्यान में रखिएगा, फोन हमेशा अपने साथ रखिएगा, अगर बाथरूम जाना है तो भी।
मैं आ गया। हमारा अंदाजा सही निकला। मतलब जो कहानी हमने फैलाई थी वो मान लिया उन लोगों ने। और चारा ही क्या था? जिस जाल में वो लोग फंसे हैं उसे हमने एक महीने पहले ही फेंका था। सर, इतने खतरनाक मुजरिमों का एक के बाद एक ऐसे खून हो जाना, ये संयोग नहीं हो सकता सर। सर, इन सब मुजरिमों का ये नया दुश्मन कहाँ से आ गया? आ गया या आ गए, इन पांचों का कोई एक ही दुश्मन होना जरा मुश्किल लगता है। पर सर, अलग अलग दुश्मन है तो फिर सबने एक साथ हमला कैसे किया? पूरे लोग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन गैंग एक ही है, मकसद भी एक ही, बुरे लोगों का खात्मा करना। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर अलग अलग शहरों पे अलग अलग टाइम पे खून करना, इतनी लंबी प्लानिंग किसी एक आदमी के बस की बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिजीत। लगता है कुछ मिल गया तुझे, है? हाँ बस। क्या? बस इसमें कोई एक खूनी नहीं है, क्योंकि अधिकतर हर एक खूनी का खून करने का अपना एक खास पसंदीदा तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। ये देखो, इसे गोली मारी गई, गोली बहुत दूर से मारी गई है, लेकिन गोली सीधी जाकर के दिल में लगी है, एक इंच भी इधर उधर नहीं। दूसरा, इसे मार्शल आर्ट के किसी एक खास मूव से मारा गया, बहुत ही खतरनाक, एक झटके में चित। और ये तीसरा मर्डर? ये तीसरा, इसे जहर से मारा गया, एक खास नुकीली चीज से जहर इंजेक्ट किया गया सीधा आर्टरी में, जहर तुरंत खून में मिल गया और ये खत्म। तो तीसरा मर्डर भी किसी एक्सपर्ट ने किया है सर? हाँ, ये पहला शार्प शूटर, दूसरा मार्शल एक्सपर्ट, और तीसरा खास तरीके से जहर का इंजेक्शन देने वाला। ये जो भी है, इन्होंने अलग अलग तरीके से जान लेने की ट्रेनिंग पाई है, जैसे कोई स्पेशल एजेंट। और शायद इस गैंग में इस तरह की सोच रखने वाले और भी लोग शामिल होंगे जो समाज से मुजरिमों को मिटाना चाहते हैं। सर, अगर ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं तो ना ही कोई सुराग छोड़ेंगे, ना ही कोई पहचान, इन तक पहुंचेंगे कैसे? लोहा लोहे को काटता है पूर्वी, इन लोगों के गैंग तक पहुंचने का एक तरीका है। बाला की मौत का नाटक। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था सर, फिर उन्होंने मुझे एक आदमी के ऊपर गन तान के ट्रिगर दबाने को कहा। और तुमने ट्रिगर दबा दिया? यस सर। क्या मतलब है ये सब? कहा था ना हमने, तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी ये देखने के लिए कि तुम इस काम को अंजाम दे सकते हो या नहीं। तो मुझे किसे मारना है? एक ऐसा इंसान जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, देश के उत्तरी राज्यों में ड्रग्स का धंधा करता है और न जाने इसकी वजह से कितने नौजवान अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। इसका नाम? अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता है लेकिन ड्रग डीलिंग ही उसका असली काम है। एक बार वो शहर में वापस आ जाए बस उसके बाद उसका काम तमाम। नाम? नाम में क्या रखा है, गोली मारने के ठीक एक घंटा पहले तुम्हें बता दिया जाएगा कि कब और कहां गोली चलानी है। ट्रिगर कैसे दबा दिया? उसे कुछ हो जाता तो मारा जाता तो? नहीं दया, कुछ नहीं होता, वो गन के वजन से मैंने अंदाजा लगा दिया था, अंदर कुछ गोलियां वोलियां थी नहीं। अभिजीत, अब उनके रंग में इस कदर रंग जाओ कि रत्ती भर तक शक ना करे वो लोग, यही एक तरीका है उन तक पहुंचने का। लेकिन इसके पहले वो कुछ बड़ा अंजाम करें, अगर हम उनके अड्डे तक पहुंच जाएं और उन्हें वहां गिरफ्तार कर लें तो? मगर उनके अड्डे तक पहुंचेंगे कैसे? तुम्हारे आंखों पर तो पट्टी बांध रखी थी। पट्टी बंधी थी दया, लेकिन उनके अड्डे से घर पहुंचने तक मैंने रास्ते को अच्छी तरीके से महसूस किया है और जो कुछ मुझे लगा मैंने इस पेन ड्राइव पर रिकॉर्ड किया है। ये मेरे कपड़े हैं, जूते हैं, इनसे भी शायद कुछ मदद मिले उनके अड्डे तक पहुँचने के लिए। सर,
जो भी करना है जल्दी करना होगा। कभी भी मुझे वो फोन आ सकता है ड्रग डीलर को मारने के लिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई काम करूं जिसकी इजाजत मुझे देश का कानून नहीं देता। जब तक कानून नहीं कहे हम किसी की जान नहीं ले सकते, फिर वो चाहे मुजरिमी क्यों ना हो। ध्यान से सुनना, कुल मिला के 1.5 घंटे लगे थे मुझे उनके अड्डे से अपने घर आने में। कार की स्पीड 60 के ऊपर नहीं गई होगी। 15 मिनट गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। 10:15 उस वक्त मुझे किसी की अर्थी जाती हुई सुनाई थी। और हाँ, जब हम अड्डे से निकले थे तो वहाँ कहीं मंदिर में आरती हो रही थी लाउड स्पीकर पर। और कुल मिला के 6 ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी थी और कुछ 5 फ्लाईओवर्स थे और हर फ्लाईओवर को क्रॉस करने में करीब 40 से 45 सेकंड लगते। रेलवे स्टेशन और एक फ्लाईओवर के नीचे रेलवे स्टेशन था जहाँ पे ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही थी। सर आप अंदर। सर ये देखिए, अनिकेत कुमार सर, सीबीआई ने अभी थोड़े दिन पहले इससे बातचीत भी की थी। सर देश के कई जगहों पर ये ड्रग्स का धंधा करता है। अभी कहाँ है सर? वो फ्रेडी सर देख रहे हैं। ये पैडी है, धान। ये पैडी है वो जो तुम अभिजीत की कमीज पर से लेके आई थी, और रेशा वो एक गनी बैग का रेशा किसी बोरी का, मतलब पैडी और बोरा। इसका मतलब ये कोई गोदाम है, गोदाम को अपना अड्डा बना रखा है उन लोगों ने। कोई ऐसा गोदाम जहां पर अनाज रखा जाता है या फिर कोई ग्रेन मिल। सर ये रूट लिया है उन लोगों ने। ये रूट ठीक वैसा है जैसे अभिजीत सर ने बताया था, इरार की तरफ जाता है। गुड जॉब पूर्वी। हाँ डॉक्टर साहब, क्या अभिजीत को अनाज के गोदाम में रखा गया था? अनिकेत आज सुबह ही ग्रीस से वापस लौटा है, अभी तो ऑफिस नहीं आया। अच्छा, तो अब गैंग वालों का फोन आएगा, अभिजीत को आएगा फोन। हेलो, आपके लिए एक खुशखबरी है अभिजीत सर। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो आ गई है। आज आपके शुभ हाथों से एक मुजरिम को सजा मिलेगी। ठीक 1.5 घंटे के बाद एक काले रंग की गाड़ी आएगी आपके पास और बता देगी कि आपको किस पे और कहां गोली चलानी है। मगर राइफल कौन सी है? क्या फर्क पड़ता है राइफल कौन सी है? आपको तो सीआईडी ट्रेनिंग में हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है ना? मैंने ट्रेनिंग तो मुझे सारे हथियारों की है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है गोली मारने का। तो अगर मुझे पता हो हथियार कौन सा है तो थोड़ी आसानी होगी। RS-451। ओके, RS-451। क्या कह रहे हैं आप? मेरी जान को खतरा है? फिर तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, घर के अंदर ही छुप के बैठूंगा मैं। सारी मीटिंग्स कैंसिल। अनिकेत, घर में छुप कर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। उन लोगों ने ठान लिया है तुम्हें मारने का और वो मार कर ही रहेंगे तुम्हें। तो आप कुछ कीजिए ना, आप लोग सीआईडी वाले हैं, बचा लीजिए मुझे। बचा लेंगे हम तुम्हें, सिर्फ इस बार गोली हमारा ऑफिसर तुम पर चलाएगा। तुम्हारे इन कपड़ों के अंदर एक बुलेट प्रूफ जैकेट होगा और कुछ खून के पैकेट्स। अगर निशाना इधर उधर चला गया तो? अगर गोली सर पर लग गई तो? कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोली भी नकली होगी। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, मगर पहले हम तुम्हारे जरिए उस मास्टरमाइंड को पकड़ेंगे। अब बताओ मीटिंग के लिए कहाँ जाने वाले थे तुम? अगली मीटिंग 1 घंटे में है। एक मॉल के बाहर एक प्रोडक्ट लॉन्च है। मॉल के बाहर? हेलो, मुझे लगता है मिशन कैंसिल करना पड़ेगा। मगर क्यों? बाला जिंदा है।
बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ में। अभिजीत के हाथों किसी का खून हुआ ही नहीं है। प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। सीआईडी और अभिजीत को इस धोखे की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पे वो आदमी आने वाला है। पर वो आदमी आए कौन? सबर रख, पता चल जाएगा। चल तुझे वो जगह दिखाता जहां से तुझे गोली चलानी है उस पे। एकदम खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ सर, ये वो गोदाम तो नहीं लग रहा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ओ भाई साहब, कौन है आप लोग? क्या चाहिए? यहाँ पे काम करता हूँ। ये गोडाउन को इस्तेमाल कर रहा था क्या? नहीं तो, पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है और ये गोडाम हमारे बॉस को बेच रहे हैं। अब क्या खरीदने आए? अगर ये वो गोडाउन नहीं है तो फिर कौन सा गोडाउन है? क्या हुआ सर? मुझसे एक गलती हो गई। वो तिलक नगर वाला गोदाम मिस हो गया सर। ये देखिए सर, वहाँ पर भी मंदिर है, स्मशान है, फ्लाईओवर है और रेलवे ट्रैक है। कहीं ये वही गोदाम तो नहीं है? कितनी दूर है यहाँ से? सर ट्रैफिक है तो 40-45 मिनट लगेगा। ये तो असली खून है फ्रेंड। सर मुझे उनको पता था हमारे प्लान का। अभिजीत सर नकली गोली चलाने वाले थे। अभिजीत की जान को खतरा है,
दया को फोन करना होगा। दया, देखो अनिकेत पर किसने गोली चलाई है, असली गोली। हाँ, अभिजीत की जान को खतरा है। उनके अड्डे का पता चल गया? नहीं सर, ढूंढ रहा हूँ। जल्दी जल्दी दया, टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, वेल डन। अनिकेत के मौत की खबर हर न्यूज चैनल पर छा गई और अब तुमने हमारा विश्वास जीत लिया है, इसलिए अब हम अंधेरे से रोशनी में आकर तुमसे अपनी पहचान करवाएंगे। ये मंदिर है। पैनलिस्ट हैं एक्स आईबी ऑफिसर संजीत जी, एक्स जज मिस मंदिरा, एक्स आर्मी ऑफिसर मिस्टर रणवीर। ओ, तो आप लोग हैं? हाँ, हम। क्यों हैरानी हुई हमें देखकर? भूल गए उस दिन जब सिर्फ मैंने तुम्हारा समर्थन किया था? रेलवे स्टेशन। अभिजीत, हम सबका मकसद एक है, जुर्म का सफाया। अगर आपके ये चौथे साथी, इनको क्या हुआ है, ये सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं सामने आऊंगा भी नहीं, क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो। बाला जिंदा है? हाँ, ये जिंदा है, क्योंकि ये सब सीआईडी की सोची समझी चाल थी हमें फंसाने के लिए। और ये स्मशान भूमि। और अनिकेत? वो भी जिंदा होगा, जरूर इस अभिजीत ने उसे नकली गोली मारी होगी। अभिजीत, इस धोखे की सजा सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। तुम और बाला दोनों मरोगे, दोनों। और तुझे हम नहीं मारेंगे, तुझे ये मारेगा। मैं क्यों? क्योंकि एक ईमानदार और बहादुर ऑफिसर को मारना हमारे ईमान के खिलाफ है। चल तू मार, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। वो तो आप वैसे भी मार दोगे। नहीं, हम तुम्हें एक और मौका देंगे। चलाओ गोली। ले वाला पिस्तौल ले। ले। मार दो उसे, मारो मारो अभिजीत को गोली। कोई नहीं भागेगा। तो अभय जी, तो आप है सबके पीछे, समाज को सुधारने निकले थे तुम? हाँ, चल। मैं आपका होस्ट अभय कुमार। हम लोगों ने जो कुछ भी किया उसका हमें बिल्कुल अफसोस नहीं। हम लोग भी देश के लिए कुछ करना चाहते थे, जैसे आप लोग करना चाहते हो। देश के लिए कुछ कर गुजरना बड़ी अच्छी बात है, पर जो रास्ता तुम लोगों ने अपनाया ना, वो गलत है, कानून के खिलाफ है। तो कानून कौन सा 100% परफेक्ट है?
ये वही कानून है जिसके चलते इतने सारे मुजरिम समाज में आजाद घूम रहे हैं। उस अनिकेत को भी आपने बचा लिया ना? हाँ, अनिकेत को हमने बचा लिया सिर्फ गोलियों से, कानून से नहीं, समझे? रही बात परफेक्शन की, तो 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, उसे बनाना पड़ता है। आप लोगों का तरीका क्या परफेक्ट है? क्या गारंटी है इस बात की कि अपनी सनक के चलते तुम लोगों ने सिर्फ गुनहगारों को ही मारा है, किसी निर्दोष को नहीं? अब उसी अदालत के सामने जाकर अपनी शिकायत पेश करना, उस अदालत से जिससे तुम इतने परेशान हो, अब वही अदालत तुम्हारा इंसाफ भी करेगी। अब पता चलेगा तुम लोगों को कि अपने देश के कानून की मर्यादा का एहसास क्या होता है। केस बड़ा ही पेचीदा था सर। हाँ, तो मुजरिम भी तो पकड़े गए, और एक केस खत्म। चलो भाई, घर नहीं जाना क्या? मगर अभी एक अपराधी को पकड़ना बाकी है। क्यों दया? हेलो सीआईडी, कौन है आप लोग, क्या चाहिए? मैं विक्रांत हूँ, क्राइम टीम से। हमें यहाँ की तलाशी लेनी है, ये सर्च वारंट है। तलाशी? हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कीजिएगा। क्या हम जान सकते हैं कि तलाशी क्यों ली जा रही है? दमन के फांसी वाले केस में आप सबके खिलाफ कंप्लेंट है कि आप सबने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की थी। दया हमारे पास है, हमारी जेल में, तो अगर दया को बचाना चाहते हो तो पहले मेरे भाई को बचाना होगा, वरना ठीक 4:30 बजे ना सिर्फ मेरे भाई को फांसी होगी बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर दया भी फांसी पर चढ़ेगा। तलाशी शुरू करो। आप सबके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं, अब आप सब पे कड़ी नजर रखी जाएगी। और हाँ, आप सबके साथ अकेले अकेले सवाल जवाब भी किए जाएंगे। मेरी आपको पर्सनल सलाह है, जो भी बोलना बिल्कुल सच बोलना, ये सीआईडी का फ्यूचर तय करेगा। सीआईडी से हम कोई पानी का बुलबुला नहीं, और तुम कौन होते हो हमारा फ्यूचर तय करने वाले? सीआईडी की बुनियाद सच की नींव पे टिकी है, झूठ बोलना हमें आता नहीं। हाँ हाँ, पता है आप सीआईडी वाले हो, पता है। लेकिन आप जो भी हो, कानून से ऊपर नहीं हो, और अब वक्त आ गया है कि आपको कानून की याद दिलाई जाए। ना पता है हमें हम कानून से ऊपर नहीं, पर हम कानून के रखवाले हैं, कानून के रखवाले। हम सीआईडी वाले, पर हम गर्व से कहते कि हम सीआईडी वाले हैं, और हमारे खून का एक एक कतरा सीआईडी को और इस देश को समर्पित है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।